मेरे 7 वर्ष के संसदीय कार्यकाल में आज तक किसी पुरुष ने इस प्रकार की किसी भी सदन में हिमाकत नहीं की। ये विषय महिला का नहीं है। इस सदन में और दूसरे सदन में भी कई पुरुषों ने अपने राजनीतिक सामाजिक कार्यकाल में महिला के संरक्षण के लिए, सम्मान के लिए आवाज उठाई है। लेट अस नॉट रिड्यूस इट टू अ विमेन्स प्रॉब्लम। दिस इज अ ब्लॉट ऑन ऑल लेजिस्लेटर्स इंक्लूडिंग मेन सर। यस यस, दिस इज नॉट अ हाउस वेयर मेन कम इन ताकि किसी औरत की आंखों में झांका जाए। एंड व्हाट वाज रिपंगनेंट was that a leader stood in solidarity with the left. My appeal to you, sir, irrespective of our political differences, the entire nation watched yesterday. कैसे ये सदन शर्मसार हुआ? इस सदन में बातचीत प्रिविलेज होती है। अगर महिला के साथ इस प्रकार की बदतमीजी सदन के बाहर होती तो वो पुलिस का संरक्षण मांगती और उसे मिलता। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस का बिल इसी सदन ने पास किया और हम चुपचाप बैठकर महोदय मुखदर्शक नहीं बन सकते। मंत्री के नाते नहीं, महिला सांसद के नाते नहीं, आज सांसद के नाते पूरे सदन को मेरी अपील है, ये मैसेज भेजें कि महिला चाहे किसी भी पक्ष की हो, इस सदन का प्रिविलेज मिसयूज नहीं होगा एक महिला का अपमान करने के लिए। महोदय, बाहर पुलिस का संरक्षण है, यहाँ आपका है। मैं अपील करूंगी कि सदन में पॉलिटिकल डिफरेंसेस छोड़ के, जेंडर डिफरेंसेस छोड़ के हम एक स्वर में बोले, यू कैन नॉट मिसबिहेव विद अ वुमन एंड गेट अवे विद इट बट जस्ट ड्रामेटाइजिंग इट एंड सेइंग मैं रिजाइन कर दूंगा, या आपको गलतफहमी हुई है।